नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी जालसाज लुटेरे दूल्हे और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़ा गया लुटेरा दूल्हा शादी.com जैसे मैट्रिमोनियल वेबसाइट का इस्तेमाल कर युवतियों को झांसे में लेकर शादी करता था और फिर शादी के बाद रुपए और कीमती सामान हड़प कर फरार हो जाता था। इस जालसाज लुटेरे दूल्हे ने मेरठ, इंदौर, बनारस, भोपाल और अन्य राज्यों में भी इस तरह की करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया है। इस पूरी जालसाजी में आरोपी शख्स की कथित बहन भी शामिल है। ये तनु शर्मा और इसकी महिला साथी को सेक्टर 24 पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर करीब 6 FIR हैं जो दर्ज हैं 2011 से लेकर के 2018 के मामले पंजीकृत हैं। जो इनका मोडस ऑपरेंडी था, जल्दी ये सबसे पहले इसने अलग अलग जगह पे मेरठ में, चंडीगढ़ में और इंदौर में अलग जगह पे चीटिंग के मामले इस पर पंजीकृत थे और इसके द्वारा महिलाओं को, लड़कियों को शादी.com पे उनके साथ में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना और उनको शादी का झांसा दे करके एक मैरिटल बॉन्ड में करना और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद में उनसे पैसे ऐंठना, उसके बाद ये उनको छोड़ करके फरार हो जाता था। ये घटनाक्रम सबसे पहले चंडीगढ़ में एक महिला के साथ में किया, उसके बाद नोएडा में किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। नोएडा से आकाश गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।